दानिश स्टडी फंड करा थे 400 तक हमने पिछले पार्ट तक कवर कर दिए थे, 400 क्वेश्चन तक आपके हो चुके थे। आज लेके चलते हैं हम आगे का पार्ट। ओके, तो आगे का पार्ट है 401 से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह था वो था लोथल। ओके, नेक्स्ट है, सितार और तबले का जनक माना जाता है। सितार और तबले का जनक कौन माना जाता है? वो माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। ठीक है, अमीर खुसरो जी को ही सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है पामीर या तिब्बत का पठार। वैसे तो पामीर का पठार बोलो या फिर ये है तिब्बत में पड़ता है पामीर, तो पामीर या फिर तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये अब योजना आयोग चेंज हो चुका है नीति आयोग में। ठीक है, नीति आयोग बन चुका है ये योजना आयोग, और इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका आंसर है। योजना आयोग आए या नीति आयोग आए, दोनों का प्रधानमंत्री। वनस्पति घी का निर्माण कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी में जो गैस प्रयुक्त होती है वो होती है हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था वो किया था मिहिर सैन जी ने। ओके, मिहिर सैन जी जो कि अस्थाई रूप से असक्षम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कर दिया था। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति होती है 746 वाट के बराबर। ओके, नेक्स्ट, चलिए, पानी की बूंद गोल होने का क्या कारण है? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। ओके, ये जो पानी की बूंदें होती है ये पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। जो आसमान से, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, आसमान से जो पानी आता है वो गोल किस कारण होता है? तो वो पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है बूंदें। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। ओके, नायलॉन है मानव द्वारा प्रथम रेशा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की सबसे ज़्यादा गति होती है। ओके, नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है? हेडलाइट की बात की गई है। ठीक है, हेडलाइट में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो कि लाइट को दूर तक पहुंचा सके। और दर्पण की अगर उसके शीशे की बात करें, वाहन मोटरसाइकिल हो या फिर बस हो, उसमें जो शीशा लगाया जाता है मिरर, उसमें होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों? क्यों टिमटिमाते हैं तारे आकाश में? तो वो होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो जो प्राथमिक रंग है, पहले रंग, वे होते हैं लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला रंग को ही प्राथमिक रंग का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है हीलियम गैस। वायुयान के टायरों में ये हल्की होती है, इसलिए इसको भरा जाता है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु सोल्डर में होता है टीन और शीशा मिलकर टांका लगाने वाला जो सोल्डर होता है वो बनता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो वो है आँख से संबंधित। जो ग्लूकोमा रोग होता है वो होता है आँखों में। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यहाँ पे विश्व की पूछी गई है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, तो वो है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा ये अंतरिक्ष की, विश्व की सबसे पहली महिला थी। और अगर बात आए हमारे इंडिया, हमारे भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली यात्री कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला जी हमारे भारत की तरफ से पहली महिला थी। नेक्स्ट, चलिए, ओरिजिन ऑफ स्पीज
बाय नेचुरल सेलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार, यह है पारा या मरकरी। पारा और मरकरी एक ही बात होती है, पारा कह देते हैं और मरकरी। सिनेबार होता है, सिनेबार धातु अयस्क होता है पारा और मरकरी का। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, वह कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दूध की जो शुद्धता नापी जाती है या पानी की मात्रा नापी जाती है, वो नापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, दूध की शुद्धता का अगर क्वेश्चन आ जाए तो दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, और उसमें पानी का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, नाभिकीय संलयन, इसको कैसे याद करेंगे? इसको कैसे याद करेंगे? यह है संलयन, संलयन यानी कि जुड़ना। हाइड्रोजन का काम थोड़ा ऐसे ले लीजिए, हाइड्रोजन का काम है जोड़ना, नाभिकी को जोड़ना। और बात आ जाए परमाणु की, ठीक है, परमाणु, परमाणु जो बम है उसका क्या काम है? उसका काम है नाभिकीय विखंडन। जो परमाणु वाला बम है वो अगर फटेगा तो विखंडन कर देगा नाभिकों को, विखंडन, तो उसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। और यहाँ पर पूछा गया है हाइड्रोजन बम, तो ये है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो होता है विटामिन B3 के, B3 के कारण होता है पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट है, मछलियों के तेल, मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली के जो यकृत में होती है उसमें पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन डी होता है मछलियों के यकृत के तेल में। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी से ऊंचाई होती है भू स्थिर की 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड में बूझा जाए, बूझा जाए फ़ारेनहाइट में, तो वो होता है 98.4। ठीक है, ये दोनों सेम है, सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? तो वो है डायोप्टर। लेंस की अक्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। ओके, सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। और ये सिलिकॉन वैली की, अगर सिलिकॉन वैली बूझ लिए जाए, सिलिकॉन वैली तो ये कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक है खगोलीय दूरी की इकाई। ठीक है, खगोलीय दूरी नापी जाती है पारसेक के द्वारा, या इकाई कह लो। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? घनत्व अधिकतम, घनत्व की बात की गई है, पानी के घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है? पानी जम जाता है। नेक्स्ट है, प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्स। ओके, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रासरव्य तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, हमारा जो वैज्ञानिक नाम है, हम मनुष्य हैं तो हमारा नाम होगा होमो सेपियंस। ठीक है, याद रख लेना कि हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है मनुष्यों का, तो वो होता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। पहला भारतीय बना कौन? ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होगा? बंगाल में होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट चलिए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जी का भारत में केवल एक ही मंदिर है, एकमात्र केवल एक ही मंदिर है, और वो है पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर वो स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, और पुष्कर पड़ता है
राजस्थान राज्य में, ठीक है, राजस्थान स्टेट में पड़ता है पुष्कर, वहां पे ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है पूरे भारत में। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ता अगर काट लेता है तो रोग हो जाएगा रेबीज, या इंग्लिश में बोले उसको हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। और कुत्ते के काटने से इंजेक्शन लगते हैं, पहले बताए जाते थे 14 इंजेक्शन, अब शायद कम हो गए हैं। चलिए, राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पादेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ओके, उपराष्ट्रपति जी होते हैं राज्यसभा के पादेन सभापति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, 2 बार, किसी किसी को तो 1 बार भी नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने, मैडम क्यूरी जी ने, मैडम मैरी क्यूरी, 2 बार लिया था। सार्क या दक्षेज, ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? यह आपको पता होना चाहिए, काठमांडू में है, काठमांडू पड़ता है नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? जो सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था वह मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, पहला परमवीर चक्र मिला था, जो कि फौजी थे, और फौजियों को, बहादुर सिपाहियों को परमवीर चक्र दिया जाता है उनके साहसी काम के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? जब हमने सबसे पहली बार विश्व कप जीता था क्रिकेट में, कब जीता था? 1983 में, तो उस टाइम पे जो कप्तान थे हमारी भारतीय टीम के, वे थे कपिल देव। आप सभी जानते हो, कपिल देव जी को जानते होंगे, तो वे कपिल देव जी कप्तान थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कर सकता है 12 सदस्य, और बात आए लोकसभा की, लोकसभा में कर सकता है 2 सदस्य मनोनीत। ओके, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था 1901 में, ठीक है, 1900 सन चला था, और उसका पहला ही 1901 का पहला सन में नोबेल पुरस्कार देने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान भी बोलते हैं, उसकी मुद्रा है टका, ठीक है, जैसे हमारी मुद्रा है रुपये, तो वहाँ की है टका। नेक्स्ट है, रामायण किसने लिखी? रामायण लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। भारत के गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है, पैदा होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो पायोरिया है, पायरिया, पायरिया पता है, पायरिया बोलते हैं, वो कहाँ पे लगता है? वो लगता है दांतों और मसूड़ों पर, ठीक है, जिससे कि दांत लाल लाल हो जाते हैं, पीले पीले लाल लाल से हो जाते हैं ना, वो पायरिया बोल होता है, वो रोग दांत और मसूड़े पर लगता है। नासिक शहर जो है, नासिक शहर किस नदी पर बसा हुआ है? वो बसा हुआ गोदावरी, वहां को गोदावरी बह रही है नासिक शहर के आसपास से, ठीक है। भड़ी 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 रा भड़ी साहोरे बाहुबली तो ये तो थे आज के 450 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी रिमेनिंग 1000 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराते रहेंगे, और जो नए लोग आए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटे के निशान को भी दबा देना, एक घंटी बनी हुई आ जाएगी सब्सक्राइब करने के बाद, और उसको भी दबा देना, उसको दबाने के बाद ऐसे टिक करके आ जाएगा निशान, यहाँ पे दो ये निशान आ जाएंगे बन के, तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख सकते होंगे, ठीक है। एमपी के लिए बेस्ट ऑफ लक, चलिए करते रहिए तैयारी, बाय।